हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज आप देख रहे हैं नागपुरी शिष्ट कविता के कवियों की संपूर्ण जानकारी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भरत नायक के बारे में, जो लिखे हैं जेठ मास अति। और ये जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि जय श्रीजल सहायक आचार्य सभी स्नातक प्रतियोगिता के लिए नागपुरी पेपर टू का यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लास कराए गए हैं। ठीक है, जो फ्री क्लास करना चाहते हैं वो फ्री क्लास करें। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में आपका दिया हुआ है न्यू नागपुरी क्लास 2023 के नाम से। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएं, ये सर्च करें, टोटल क्लास वहाँ मिलेंगे, है ना। और दूसरी बात, यहाँ जो है आपका कोर्स मिल रहा है। जो भी कोर्स खरीदना चाहते हैं इस नंबर पे मैसेज करें, सारे कोर्स मिलेंगे। टेस्ट अवेलेबल है एडी क्लासेस ऐप पे, सो टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका 199 में 20 प्लस टेस्ट यहाँ मिल रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें ताकि आपका बेनिफिट हो। और तैयारी एकदम जम के करना है, ठीक है। तैयारी हमेशा अच्छे से रखना है तैयारी, क्योंकि अचानक से कुछ होते नहीं हैं, ठीक है ना। मेहनत करने होते हैं। आप सोच रहे हैं कि सर मैं पूरा तैयार हूँ, अगर आज एग्जाम देता, भाई टेस्ट देकर देखो ना, टेस्ट देकर देखो। अगर आप 90 प्लस लाते हैं देन यू आर रेडी फॉर एग्जाम। अगर 90 प्लस नहीं लाते हो लैंग्वेज पेपर में, तब आप रेडी नहीं हो एग्जाम के लिए, ठीक है। ये खुद को संतुष्ट करने के लिए नहीं, ये आप अपने के अंदर की कमियां को जाके, भाई पढ़ लेने से सारे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। आप 90 प्लस ला रहे हैं कि नहीं, टेस्ट लगा रहे हैं कि नहीं, ये आप में देखने होंगे, ठीक है। तब आप सोचिए कि नहीं अब मेरा हो गया कंप्लीट भाई, नहीं तो भाई पढ़ लिए, क्लास कर लिए यूट्यूब पर, भाई मेरा तो कंप्लीट सिलेबस हो गया, कब एग्जाम होगा, छटपटा रहे हैं। छटपटाना नहीं है, टेस्ट आप दीजिए, है ना। चलिए भरत नायक के बारे में पढ़ते हैं। भरत नायक टोटली आज पढ़ेंगे भरत नायक के बारे में, और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। भरत नायक आधुनिक नागपुरी के एक लोकप्रिय कवि थे, ठीक है। छोटा नागपुर संस्कृति संघ और कुंज वन से जुड़कर इन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त की थी, ठीक है। प्रगतिशील विचार के थे, कब कौन से प्रगतिशील, एक वर्ड मिला। लिहाज से इनकी गीत यात्रा मार्क्सवाद तक पहुंची थी। कहां तक, मार्क्सवाद। इनका जो जन्म हुआ था राजू नायक के गरीब परिवार में, हटिया के आसपास। कहां हुआ था, हटिया में, बाला लोग गांव में हुआ था। कौन, बाला लोग, हटिया के बाला लोग गांव में 1940 के आसपास। यानी कि आपका देखिए क्षितिज कुमार राय है ना, और एक भीम महतो, भरत नायक, तीनों का 1940 के आसपास जन्म हुआ है, याद रहे, ठीक है। और 2008 में इनका देहांत हुआ है, ठीक है। ये भीम महतो, सॉरी हाँ, भरत नायक का जो देहांत हुआ था 2008 में हुआ था, है ना। और राजू नायक, यानी कि ये राजू नायक जो है गरीब परिवार में, है ना। इनके गीत छोटा नागपुर संस्कृति संघ की पत्रिकाओं में नियमित रूप में छपते थे, ठीक है। इनका गीत कहाँ छपता था, छोटा नागपुर संस्कृति संघ की पत्रिकाओं में छपता था। सौभाग्य की बात यह है कि रांची की जन माध्यम नामक संस्था ने 2008 में इनकी याद में एक पुस्तिका प्रकाशित की है, है ना। किनकी, ये रांची की जन माध्यम नामक संस्था से, कहाँ से, जन माध्यम नामक संस्था से 2008 में इनके आदम पुस्तिका प्रकाशित हुई है, है ना। और यह प्रगतिशील गति शामिल है, और नागपुरी सम्मेलनों में लोग इनकी प्रतीक्षा करते थे, हमेशा प्रतीक्षा किया करते थे। तो दोस्तों ये आप क्लास कैसा लगा, ठीक है। ये टोटल अबाउट द भरत नायक, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि भरत नायक जो हैं ये आधुनिक एक लोकप्रिय कवि हैं, और इनका जो जन्म है, बस इनका आप जन्म याद रख सकते हैं, ठीक है। आप केवल जन्म याद रख सकते हैं, 1940 में हटिया के आसपास हुआ था राजू नायक में। देहांत कब हुआ था, 2008 में हुआ था, और 2008 में एक पुस्तक प्रकाशित किया गया इनके याद में। तो आप ये चीज़ 5 जो है शॉर्ट नोट्स आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और एडी झारखंड क्लासेस के साथ जरूर जुड़े, और अपने दोस्तों को भी बोले, क्योंकि अपने आप अच्छा विचार रखिएगा तो अच्छा आपके साथ होगा, हमेशा याद रखेंगे, है ना। दूसरा लोग क्या करता है ये नहीं सोचने हैं, खुद क्या कर रहे हैं वो सोचने हैं। अगर आप पॉजिटिव करते हैं, जैसे कि आप किसी को सही राह दिखाते हैं, तो आपके साथ भगवान सही करेगा, है ना। किसी को गलत राह कभी नहीं दिखाना, अगर नॉलेज नहीं है तो मत बताइए, ठीक है, लेकिन गलत राह कभी नहीं बतानी चाहिए। धन्यवाद।